नमस्कार, स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम गांव की सरकार में। और जैसा कि आपको पता होगा कि 2021 का चुनाव नज़दीक आ रहा है, और इसी के चलते मैं आज काकोरी के अंदर भलिया गांव में हूँ। यहाँ के जनता से चुनाव के बारे में बात करूँगी, प्रधान के बारे में बात करूँगी। उन्होंने 5 साल में इस गांव में जो उनका कार्यकाल रहा है, जो उन्होंने काम करवाया है, उससे यहाँ की जनता कितना सहमत है। तो इसी को लेकर के मैं इस गांव में, भलिया गांव में आई हूँ, और भलिया गांव में मैं यहाँ की जनता से बात करूँगी उनके प्रधान के कार्य के बारे में। आपके प्रधान का नाम क्या है? जी, श्री आनंद कुमार जी। तो आप अपने जो प्रधान हैं उनके 5 साल के कार्यकाल से कितना सहमत है? मैं तो सहमत काफ़ी हूँ, लेकिन मतलब जनता अगर सहमत है तो उसी में सहमति हमारी भी है। मैं अपनी तरफ से एक्स्ट्रा नहीं बोल सकता, क्योंकि नहीं, हमको सब कुछ कर दिया और हमारी जनता को कुछ भी नहीं किया। जनता खुद स्वयं आकर के बताए। बिल्कुल। अच्छा, तो बिल्कुल हम और लोगों से पूछेंगे, आप ही बताइए, आप तो सहमत हैं ना? नहीं, हम तो सहमत हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे भाई ये हैं और हम कुछ भी बोले, लेकिन तब भी मतलब जनता की नज़र में हमेशा मतलब ये तो लगेगा कि ये लोग तो अपने अपना करते होंगे, क्या हमारा कर सकते हैं, क्या हमारा बना सकते हैं, क्या हमको दे सकते हैं, ठीक ना। और हमेशा तो ये भी लगा रहता है कि मतलब जनता कुछ भी मिल जाए, कितना भी मिल जाए, लेकिन तब भी कहता कोई हमें ये नहीं मिला और हमको वो नहीं मिला, आवास नहीं मिला, कॉलोनी में लेटरिन नहीं मिली, कोई कहता ये नहीं हुआ, कोई नाली नहीं, हमारा कोई नल नहीं लगा है, हैंडपम्प नहीं लगा है, पानी पीने के लिए दिक्कत है, सारी सफाई है, साफ सफाई है गाँव की, ये सब कुछ मदद करती है। और मान लिया जाए कि अभी ये यहाँ पर के कूड़ा कबाड़ा बहुत लगा था, एक नहीं 20 ट्राली कई दिन चले हैं, लेबर खुद जा करके बता सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये चीजें नहीं, देखिए पक्ष विपक्ष तो हर जगह होते हैं, लेकिन अगर कार्य किया है तो पक्ष थोड़े ज्यादा होंगे। और भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे पूछते, चाची से पूछते, चाची प्रधान के बारे में बताइए, आप उनके जो काम उन्होंने करवाया है गाँव में, उससे आप सहमत है, खुश है उनके काम? हाँ, खुश है। खुश है? आपको आपके शौचालय मिला है? हाँ, हमको नहीं मिला है, मेरे लड़के को मिला है। अच्छा, और साफ सफाई और नाली वाली की सुविधा आपको मिली है? हाँ, साफ नाली तो हमारे पिछवाड़े है, बिटिया बहकर का बोझर ही नहीं जाती है, पहले ही थी। अच्छा, लेकिन आप प्रधान के काम से सहमत हैं? इस बार क्या चाह रही हैं आप, इन्हीं प्रधान को चाह रही हैं या फिर कुछ बदलाव चाह रही हैं? अब बदलाव का ये रहे हैं, हम तो कहते ये रहे हैं। अच्छा, मतलब खुश हैं आप इनके काम से? अच्छा, अस्पताल की सुविधा है इस गांव में? हाँ है, बोला तुम पैसा दो, दवा दो। अस्पताल तो, अस्पताल की सुविधा तो मिलती है ना? हाँ, मिलती है। बिल्कुल, तो दादी भी सहमत है और भी हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, धीरे धीरे जुड़ रहे हैं, थोड़ा सा इतरा रहे हैं, लेकिन हाँ, बोलने में क्या इतराना। हाँ बताइए, आप प्रधान, अपने प्रधान के कार्य से कितना सहमत हैं? बहुत खुश हैं अपने प्रधान के कार्य से, और क्या। आपको शौचालय मिला? जी, शौचालय मिला है हमें। सफाई? हाँ, सफाई का बिल्कुल ध्यान देते हैं वो। अच्छा, और इस बार मतलब इस अगली बार क्या चाह रही है, कि यही प्रधान चाह रही है या फिर थोड़ा बदलाव चाह रही है? नहीं, बदलाव नहीं चाह रहे, हम चाह रहे हैं यही प्रधान रहे, हमको सुविधा मिलती रहे ऐसे। तो देखिए, कहीं ना कहीं काम तो दिखता है, और प्रधान ने कार्य किया है तो उनका काम दिख रहा है, पक्ष यहाँ पे ज्यादा है। कहते हैं ना, पक्ष होते तो विपक्ष भी होते हैं, लेकिन पक्ष ज्यादा है तो यहाँ पे विपक्ष भी होंगे। और सारे लोग हैं, और सारे लोगों से बात करते हैं और देखते हैं कि वो कितना सहमत है प्रधान के कार्य से। प्रधान, मौजूदा प्रधान है, उन्होंने जो भी काम कराया है 5 साल में, आप उनसे सहमत हैं काम? हाँ। आपको सारा सुविधाएं, सारी सुविधाएं मिली? हाँ, मिली। आपको योजनाएं मिली हैं? हाँ, मिली सारी योजनाएं। हाँ। सब आपको शौचालय, अस्पताल? हाँ। सबकी सुविधा? अरे मिले, जब मिला तो भाई मिला है। हाँ, मिला है। हाँ, मिला। तो इस बार क्या चाह रही है, कि मतलब यही प्रधान चाह रही है यहाँ पे? बढ़िया है। अच्छा, अच्छे हैं, मतलब आप यही चाह रही हैं। तो देख रही आप, कहीं ना कहीं प्रधान का काम जो है सबको बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लगा 5 साल का कार्य उनका। और भी लोग हैं, और भी लोग आ रहे हैं धीरे धीरे बोलने के लिए, हम और लोगों से बात करते हैं। चाची, आप बताइए। हमको बिटिया सब कुछ मिला है, और शौचालय भी मिला है, और यही प्रधान रहे हमें सबसे अच्छा है और अच्छा लगेगा, और जो जिनको नहीं मिला है उनको भी मिल जाए, अच्छी बात है। हाँ, तो मतलब ये कहना है कि अगर यही प्रधान आगे होते हैं तो फिर इनका जो काम 5 साल में छूटा है वो आगे कार्य करेगा। हाँ, वही तो बता रहे हैं, जो आगे काम में ये छूट गया है वो फिर हो जाएंगे, तो फिर बढ़ जाएगा काम, वो देंगे दूसरे को, फिर बिल्कुल आप बनाएंगे। बिल्कुल सहमत है? हाँ, सहमत है बेटिया, हम काम
मिली है, शौचालय लड़के को मिली है हमारे। अच्छा। हाँ सहमत है, अब अपने बिरादरी के हैं, सहमत तो है। अच्छा। नहीं, अस्पताल और स्कूल की सारी सुविधाएं, तो आपके बच्चे अच्छे स्कूल जाते हैं? हाँ सब मिली है, सब मिली। कहाँ है यहाँ स्कूल? हम बीच दूर, हाँ दूर है, हाँ दूर बीच गांव में है, बीच गांव पे है। अच्छा अच्छा, बीच गांव। मगर ये है कि हम लोग ये चाह रहे हैं कि कोई सुविधा ऐसी आए कि जो मतलब पढ़ी लिखी औरतें हैं, अनपढ़ हैं, तो उनको भी तो कोई सुविधा चाहिए, घर बैठे क्या करें। अच्छा। और क्या, तो जैसे हम लोग पढ़े लिखे हैं तो घर में बैठे क्या करें। अच्छा। कोई ऐसी योजना है कि हम लोग आगे काम कर सके, कुछ कमा खा सके, घर बैठे क्या करें। तो आपने इस बार हाँ। घर बैठे औरतें जैसे मान लिया जाए कि उनको अगर कोई रोजगार नहीं मिल रहा है, एक अपना समूह बनाए, समूह के तहत जो भी कार्य है अपना एकत्रित करें, कुछ पैसा जरूर लगता है, 10 रुपये एक हफ्ते में पड़ता है, 40 रुपये मतलब महीने में, अगर वो जोड़ करके 11-12 लोग जो भी हो सदस्य वो बन जाएं, अगर उससे गवर्नमेंट अगर कोई सुविधा अगर देती है उससे हमारा कारोबार चल सकता है, या किसान या कोई भी किसी खेती पाती में अगर पैसा लगाता है, फसल है, किसी प्रकार की उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जिससे सोचे कि मतलब हम कुछ भी ना करें, घर बैठे एक दूसरे से मुँह ताता मुँह में करते रहें, तो उसमें कोई भला नहीं होने वाला है। जब एकत्र होंगे तभी काम होगा, अगर एकत्र नहीं होंगे तो कोई काम नहीं हो पाएगा, ये मेरी सोच है। तो देखो कहीं ना कहीं यहाँ की महिलाओं की भी यही प्रधान से गुजारिश है कि आगे अगर ये प्रधान चुने जाते हैं तो इनको जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं वो घर बैठे कोई कार्य कर सके, कोई इनकम कमा सके। लेकिन हाँ, यहाँ के लोग जो मौजूदा प्रधान हैं उनसे बिल्कुल सहमत हैं, उनके काम से खुश हैं। आगे बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रधान तक जाएगी और प्रधान आगे चुने जाएंगे, और भी जनता हमारे साथ जुड़ती रहेगी और भी हम बात करते रहेंगे लोगों से यहाँ के प्रधान के बारे में और जो 5 साल का कार्यकाल है उसके बारे में। मैं शिखा श्रीवास्तव, कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ के भारत न्यूज़।